तो गाइस आपने देखा कुछ इस प्रकार से होली सिलेंडर के जरिए बहुत ही आसानी से गुलाल को हवा में स्प्रे करके उड़ाया गया। पर ये लोहे का टैंक ही क्यों, गुलाल को उड़ाने में हम कुछ और भी तो काम में ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि गुलाल को और किस तरीके से उड़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसे हम कैसे बनाएंगे और भी बहुत कुछ। गाइस हमें एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि वो लोहे का टैंक है, इस वजह से सिलेंडर में 800 PSI से 2000 PSI तक गैस और गुलाल भरी जा सकती है। पर हमारे पास है ये प्यारी सी बोतल और ये जितनी प्यारी है उतनी ही कमजोर, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतल है और इसके अंदर हम मुश्किल से 30 से 40 PSI दाब पर गुलाल और गैस भर सकते हैं। वैसे गाइस अंदर की बात बताऊं, इसके अंदर हम मुश्किल से 50 PSI से ज्यादा की गैस नहीं भर सकते। पर ये PSI क्या लगा रखा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे गाइस PSI एक दाब की माप होती है जिसके जरिए हम हवा और गैस के दाब को मापते हैं। और बात रही बोतल सिलेंडर की, तो आपको कुछ इस प्रकार से बोतल के अंदर छेद कर लेना है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमने इस बोतल के अंदर जो छेद किया था, इस छेद के अंदर जो साइकिल की वाल होती है वो आपको लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको वाल को इसके अंदर सेट कर लेना है। और साइकिल के इस वाल को लगाने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिसके जरिए इसके अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल सके। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर एक ढक्कन में छेद करके इस पाइप को फंसा दिया है और यहाँ पर एक जॉइंट लगा दिया है क्योंकि ये मेरा पाइप थोड़ा छोटा पड़ गया था। और साथ में यहाँ पर चालू और बंद करने के लिए वाल्व भी लगा दिया है जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने ये जुगाड़ किया है। और आप जितनी ज्यादा बड़ी बोतल लोगे इसके अंदर गैस की मात्रा भी उतनी ही बढ़ेगी और इसके अंदर गुलाल तो हम भर ही देंगे साथ में। गैस एक चीज और है कि इसके अंदर गैस है वो लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये जो जुगाड़ है ये फेल हो जाएगा। अब जल्दी से इसके अंदर हम इसका पूरा सेटअप करते हैं और गुलाल को भर देते हैं। अब बारी है इसके अंदर गैस भरने की। तो गाइस आप इसमें देख सकते हो लगभग ये जो हरी है ना पट्टी जहाँ से स्टार्ट होती है लगभग वहाँ से 50 PSI है। और आपको इसके अंदर इसे दबाकर भी अंदाजा लगा लेना है कि यार ये कितनी टाइट हुई है, और जैसे ही टाइट होने लगे गैस बनना बंद कर देना है। गाइस हमारा गुलाल सिलेंडर बिल्कुल रेडी है। अब गाइस रेडी है हमारी बोतल सिलेंडर, अब लगी आती है हम इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। 1 2 3 तो गाइस इसे देखने पर तो मजा ही आ गया। वैसे गाइस इसे हम बड़े टैंक में भी दिखा सकते थे, लेकिन इस चैनल पर हमारे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आपको मिलेंगे स्पेशल वीडियोस। खैर आपने जो शुरू में भी वीडियो देखी थी वो एक फेमस चैनल मिस्टर इंडियन हैकर की एक छोटी सी क्लिप है, उसका फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रही होगी उसे देखिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद जय भारत।